हेलो गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि हमने सोचा कि आज हम आपको दिखाएंगे कि मैं स्कूल कैसे जाती हूँ, क्योंकि आपने हमेशा मेरे को स्कूल से आते हुए देखा होगा, कभी भी जाते हुए नहीं देखा होगा। तो आज हम आपको वो दिखाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं, मैं लेट हो रही हूँ। और मम्मी मेरे लिए यहाँ पे अभी लंच की तैयारी कर रही है। क्या बना रहे हो? रोल 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 के अंदर क्या? ओके, तो अभी मैं पहले फटाक से नहा के आ रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं नहा के भी रेडी हो चुकी हूँ, और अभी मम्मी मेरी बना रही है दो छोटी। रेडी हो चुकी हूँ, रेडी हो रही हूँ। हाँ हाँ, नहा तो गई ना। तो मेरे पास है ब्रेकफास्ट में एक ग्लास दूध और थोड़े से बिस्किट, और ये रहा मेरा लंच, और ये मेरी पानी की बोतल। और मम्मी पी रही है चाय। जब मैं दूध पीती हूँ, मम्मी पीती है चाय, मेरी फेवरेट चाय। और हमारे पास वो है बड़ी सी पॉलिथीन, वो रखने हैं इतने बड़े बड़े बैग में, फिर वो फट रहे हैं। रात को नहीं बोल सकती थी? रात को बोल तो बाप सो रहे थे। अब तो वैन भी आने वाली है, जल्दी पी दूध। ओके, अब इनको ना डाल दो इसमें। ये चाय ठंडी हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मैं डाल दूंगी, चलो मैं डाल दूंगी, चलो फिर एक ये वाला भी डाल दो। थैंक यू मम्मी, इतना गर्म दूध है मम्मा, पिया नहीं जाएगा इतनी जल्दी। दूध को ज्यादा गर्म था तो हम कटोरी में डाल डाल के पियेंगे, जिससे ठंडा हो जाए जल्दी से। अब बहन मेरे ख्याल से आ गई। जल्दी उठाकर एक आवाज में उठ जाएगा, उठो उठो, आधा घंटा लगा। तो सृष्टि भी स्कूल जा चुकी है, मैं तो अपने ऑफिस का काम कर रही थी। और अभी कमरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो अभी मैं आई हूँ ब्रेक पे लंच करने। लंच में है आज पुलाव, और मैं अभी ऊपर आई तो पीरू मुझे दिख नहीं रही है। मम्मी कह रही है वो छत में जा रखी है, कॉलेज आज गई नहीं। वैसे उन्होंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं अपना कॉलेज का रूटीन दिखाऊंगी, पर वो गई नहीं, तो क्या रूटीन दिखाएगी। तो अभी जब सृष्टि आएगी तो देखते हैं फिर क्या वो क्या ब्लॉग बनाती है आगे और क्या होता है। अभी बच चुके हैं 6, ब्लॉग अभी 6 बजे, थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया, और ब्लॉग अभी अपलोड किया है। और ये ट्यूशन से आ गई है, स्कूल से भी। क्यों लड़ रहे हो? क्या ये छोटे बच्चों की दूध पीने वाली बॉटल? यहाँ पे युद्ध हो चुका है। तूने पहले खाली पिंक का छोरी हुई है, पिंक स्ट्रॉबेरी या लीची है? नहीं, बनाना वाली फ्लेवर है। गुस्सा दिखाएगी, गुस्सा दिखाएगी। लो जी, मच्छा है। कौन मच्छा है? कलर भी कितना मच्छा है। मैं खुद दूंगी दो निकाल के। चल, कितनी सारी वो खाई है तूने? कितनी कितनी सी थी वो बताइए। तो ये भी तो घुल जाता मुंह में जाके। चल, एक आधी भरा। अच्छा तेरे को तो दे दी दो। हाँ, और तू वैसे भी जिम वाली है तो दूसरे ज्यादा तू खा नहीं सकती, इसमें लॉट्स ऑफ चीज है। लगता है तेरे ट्रेनर को फोन करना पड़ेगा। आज मैं सुबह जिम नहीं गई, मैं शाम को जाना था। अभी देखती हूँ आरती दी आएगी तब उनके साथ जाऊंगी, हो सकता है स्किप भी हो जाए तो कल जाऊंगी, नहीं तो। तबीयत ठीक है तेरी? मैं बाहर जा रहा हूँ, दवाई लेके। दवाई लेके आनी है या मोमोज लेके आने? इसको दस्त लग गए इसलिए कॉलेज नहीं गई। आज है ना थोड़ी सी पिरू की तबीयत ढीली हो गई, इसलिए बाहर का ज्यादा मत खाया करो, लगे रहते हो बाहर का खाना खाने में। उल्टी चप्पल पहन के घूमती है रोज। अब मैंने इसको बोला है कि अपने लिए चप्पल ले आ जा। ये कल भी को जलाते ही नहीं, दोनों टूटे हुए हैं। रोज मोमोस वगैरह नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा तेरा? रोज 50 रुपए की चप्पल वाला आता खरीद नहीं सकती? नहीं आता यार, आता है। थप्पड़ खाई मम्मी गई खबर टंगे हमारे, क्यों व्यस्ती कर। ताई जब भी आएगा तो ले लेना, ठीक है? और मम्मी यहाँ पे हमारा व्लॉग देख रहे हो? हाँ, विद कमेंट्स। विद कमेंट व्लॉग सुन रही हूँ, कमेंट देख के पढ़ रही हूँ। और आज आपने सोयाबीन बनाई थी ना? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। मुझे नहीं पसंद, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता। पापा और मेरे को पसंद नहीं ना, थोड़ा थोड़ा तो खाने चीज़ समझना कि हम दवाई खा रहे हैं।
मैं ताई से ले लूंगी सब्जी। जो गाजर जब मैं तूने मुझे जुकाम फैला दी, पता मुझे आज कितना गो हो रहा है। सुबह मैं दिन भर में मास्क लगा के घूम रही थी। मैंने कहा फैलाई? पापा यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहे हैं, मम्मी सोयाबीन की सब्जी बना रही है। जो मुझे पापा को पसंद नहीं होता मम्मी हमेशा वही बनाती है, और जो मेरे को पापा को पसंद नहीं होता मम्मी और भाई को पसंद होता है। ताई आपने क्या सब्जी? अरे यार यहाँ पे तो मेरे को वहाँ पे गोभी दिख चुकी है। मैं भी यही सोच रही थी क्या बना। मेरे को गोभी दिख चुकी है, मुझे नहीं चाहिए। मूड ऑफ हो गया। नहीं तेरी मम्मी ने क्या बोला था? नीचे से ले। सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। पहली बात तो ये क्या बोल रही है मम्मी, कपड़े टांग रखे हैं ना फिर बोले की जगह हटा भी सकती। क्या बोल रही है? कपड़े मैंने घूमी जा रही घूमी जा रही। बताओ क्या, कल मैंने अपनी पूरी अलमारी सेट करी है, सारे कपड़े इसकी अलमारी गिर रही है। सॉरी, यहाँ पे कपड़े, यहाँ पे कपड़े। मेरे को तो यही खाना पड़ेगा नीचे, तो आलू गोभी बनी है। पापा को भी सोयाबीन पसंद नहीं है। पापा आलू गोभी बनी है। और अब मेरे भी पेपर है 14 तारीख से। अब तो लॉग थोड़ा डिले भी हो सकता है उसके लिए, क्योंकि मेरे चलेंगे 26 तक और मेरा पहला पेपर ही मैथ्स का है, और 2 साल बाद ऑफलाइन एग्जाम्स। माय गॉड, लिखोगे कैसे? चला नहीं पाओ, यही करो, हाथ दुख रहे हैं मेरे तो। और अभी बब्बू ने मुझे इतनी बढ़िया बात सुनाई कि पुलाव बचा हुआ है सेजवान वाला। मैंने बोला है सब्जी बन गई तेरी। मेरे लिए पपीता लाई है। आपके लिए सोयाबीन की सब्जी, जल्दी पकड़ो गर्म हो रही। तो हमारा डिनर आ चुका है। डिनर में है गोभी की सब्जी, रोटी जो कि पीरू ने बनाई है बहुत टाइम बाद, क्योंकि पीरू कॉलेज से लेट आ रही थी तो फिर मम्मी बनाई थी, और मेरी तो थोड़ी कोशिश जा रही है, बट अभी पीरू के हाथ की खा लेते हैं। मैं ऐसे गुस्से में देख रही हूँ, मुझे मारेगी। रुला दिया ना उसको। अभी रुक जा, चाचा को बताती हूँ। हट चाची, बब्बू ने सिस्टर को मारा। बब्बू ने सृष्टि को मारा, वो रो रही है। क्यों? फालतू मारा? इतनी तेज की उसके सर पर नाखून घुसा दिया और बाल खींचती है उसके। वो व्लॉग एंड करने आई थी वो नीचे, मैंने बोला था। हाँ। उसको तो वो तो कर ही रही थी, शांति से बैठ रखी थी। उसको क्या हुआ? उसी को बुला के पूछो। इसने बोला कि कैमरा साफ करना, मैंने बोला मैं अपना नहीं कर रही, अपने से कर ले, बोली मेरे में से नहीं होगा, बस इतना में उसने यूं कर दिया। इतनी तेज की उसके सर पे, बहुत देर तक वो भी। मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कैमरा ना साफ करने की बीच बात हुई, उतने में उसने मारा। भी देखना आपको क्या क्या आके बड़ा बड़ा के बोलेगी। रोटी नहीं, काम ही ऐसे करती है तू। क्या कैमरा तू बंद कर यार, तेरा काम बहुत अच्छा है। पहले मैं बात सुनूं, कल कटहल में तेरी उंगलियां काट दे रही है सूजी सूजी सी। क्यों मारा तूने उसको? पहले बता, तूने उसके बाल बदतमीजी कर रही थी वो? क्या बहुत निशानी है? मैंने देखो, मैं कैमरा साफ कर रही हूँ। कैमरा बंद कर रही है, इतने प्यार से बोल कर रही है। ये इसलिए ये कैमरा बंद करा रही है कि ये गुस्से में दिखा के बोल। हाँ, गुस्सा दिखा के बोलूंगी। क्या हाँ, तो बोल बहुत खुल जाएगी मेरे हाथ से। हंसी आ रही है मुझे। 2 मिनट आते हैं। बताती हूँ, पता है क्या, मैं बैठी हुई थी ब्लॉग एंड करने के लिए, हम तीनों बैठी थी, मेरे बगल में बैठी थी है, तो मैं कैमरा साफ। क्या मुझे हंसी आ रही? हाथ पैर कुछ चलाती है? सुनो मेरी बात, ये बदतमीजी कर रही है। चाहे बदतमीजी करे चाहे कुछ करे, तुझे नाखून काट दिया अपने। मैंने तुझे समझी, मैंने तुझे क्या कहा? एक बार मेरे नाखून बड़े होने दे। बार कहा कि तुझे ये तेरी ग्रिप होती है ना, वो तुझे नहीं पता, लेकिन जिसको लगी होती है ना उसको पता होता है। मैंने इसके हाथ में अम्मा पकड़ाई, और अब तो तूने हाथ भी नहीं पकड़ा, सीधा खोपड़ी पे आ गई उसकी। कैमरा साफ कर रही थी, अब ये वाले कपड़े से थोड़े निशान पड़ जाते हैं ना, तो मैं इसके टी शर्ट से ऐसे करने लगी। उसमें मेरे को इतना बदतमीजी से बोल रही है, शांति से ये कर ले वो कर ले। भाई साहब, ये हमने पहले बता दिया था ब्लॉग में कि क्या क्या हुआ है, तो झूठ मत बोला। क्या होने वाला है? हाँ, तुम तो दोनों यही बोलोगे, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जैसे वो बदतमीज। बिब्बू था ना नीचे, बिब्बू था ना नीचे, वो कौन सा है? वो भी सबको बोल देगा। मारा ही नहीं है यार। रो मत रो, कितनी ओवर एक्टिंग
रो मत यार, रोता जब कोई है जब उसको हर्ट होता है। हमारे भी बड़े नाखून होंगे, हम भी ऐसे घुबा घुबा के मारेंगे। मेरे है वो अभी उतर दो फिर उन्हें प्यार करती है। कल वो नहीं लाए तो आज उसके लिए ले आई, वो परसों ले लाई तो उसको लगा के अरे यार उसके लिए लाई ना। मुझे तो पता भी नहीं था चैलेंज है, मेरे को तो ये लगा कि बस सृष्टि ने बोला तो मैं इसमें लेके जाऊंगी। तो गाइस आपने आज का व्लॉग देख ही लिया होगा और आज सृष्टि ने अपना मॉर्निंग रूटीन शूट करने का ट्राई किया तो व्लॉग इसी ने स्टार्ट किया था और थोड़ा सा लेट भी हो गया था उसके चक्कर में, तो वैन थोड़ी जल्दी आ गई थी, मतलब जल्दी नहीं टाइम आई थी अपने, वैन टाइम पे आई थी पर तू लेट थी क्योंकि ये टाइम से नहीं उठी थी। और पीरू ने भी प्लान किया था कि वो भी अपना दिन का रूटीन दिखाएगी कॉलेज का, पर वो आज कॉलेज गई नहीं तो मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं गई। ठीक है, पेट खराब हो गया था, मोमोस नहीं पचे। मैं तो खाए भी नहीं थे। तो चलो अब हम ब्लॉग को एंड करते हैं, तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय। कर रही थी उसकी उससे मैं भी कर रही जा रही है नहीं तो मत करो तो मुंह पे मुक्का धर दो, सच्ची बता रही हूँ। ये जो बबू ने बदतमीज है सब ऐसे रख के रिकॉर्ड हो चुका है, अब आज हम डाल देंगे सूट समेत पोस्ट। इससे तो व्यूज भी बढ़ेगा भाई, सारा रिकॉर्ड कर लिया।